हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वे. दिस इज द पेपर ऑफ 2020 गाइस, एंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन सी देयर द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x. फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और इसका डोमेन हमको फाइंड करना है. एंड वी हैव फोर ऑप्शंस. सो यू कैन सी देयर दिस इज द क्वेश्चन और ये हम इसका डोमेन निकालेंगे. तो ये देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हमको एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x. ठीक है गाइज, अब इसका डोमेन हमको निकालना है. ओके, देखिए कैसे निकलेगा अब इसका डोमेन. तो गाइज, पहले इस साइन को इधर ले लीजिए आप, इसको y एज्यूम कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x. इस साइन को जब आप उधर लोगे तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू 2x. अब जो साइन फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो आप लिख लीजिए इसको -1 से 1 के बीच में आ गई साइन वाई की वैल्यू. साइन वाई का मतलब 2x, तो 2x को आप यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए. और अब 2 का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा x. 2 का डिवाइड लगाया तो ये माइनस का हाफ, ये 1/2, और ये आ गई x की वैल्यू. सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस साइन इनवर्स 2x, फ्रॉम -1/2 टू 1/2 इन क्लोज ब्रैकेट. दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x. यू कैन सी देयर ऑप्शन नंबर 3, -1/2 टू 1/2 इन क्लोज ब्रैकेट. दिस इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, द रिलेशन r इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय r इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1 एंड 1, 1. और हमें बस चेक करना है इसमें कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं. तो गाइज, सेट है 1, 2, 3. अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 होने चाहिए. तो देख लीजिए, यहाँ पे बस खाली 1, 1 है, ना तो यहाँ 2, 2 है, ना यहाँ 3, 3 है. तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं. अब हम आते हैं सिमेट्रिक के लिए. तो इसमें देखिए गाइज, 1, 2 गिवन है, तो इसका इन्वर्स करेंगे 2, 1 भी इसमें है. यहाँ तक तो ये सिमेट्रिक है. इसके बाद इसमें 1, 1 है और 1, 1 का आप रिवर्स करोगे तो 1, 1 ही आएगा. तो 1, 2 भी है, 2, 1 भी है, 1, 1 है, 1, 1 का रिवर्स करेंगे फिर 1, 1 आएगा, वो भी इसमें है. तो ये सिमेट्रिक तो हो गया. अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव. तो गाइज, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप जब इसको ट्रांजिटिविटी चेक करोगे तो आप सबसे पहले देखने जाओगे कि इसमें 1, 2 है. फिर आप चेक करोगे कि इसमें 2, 1 भी है, 1, 2, 2, 1. तो फिर आप चेक करेंगे कि इसमें 1, 1 होना चाहिए, वो आपको यहाँ दिख भी रहा है. तो आप इसमें एकदम से अप्लाई कर देंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है. देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये जो रिलेशन है ये आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है. ध्यान से देखना गाइस, इसको 1, 2 दिया है, 2, 1 दिया है और 1, 1 दिया है. तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, जैसा कि हम अभी फाइंड आउट कर चुके. ट्रांजिटिविटी के लिए 1, 2 इसमें है, 2, 1 इसमें है, 1, 1 इसमें है, इसका रिवर्स किया फिर 1, 1 इसमें है. तो सॉरी, सिमेट्रिक ये हो गया, 1, 2 इसमें है, 2, 1 इसमें है, हो गया सिमेट्रिक. जब ट्रांजिटिविटी आप इसकी चेक करोगे तो आपने देखा इसमें 1, 2 है, फिर आप देख रहे हैं इसमें 2, 1 है. तो जैसा कि आप जनरली यूज करते हो ट्रांजिटिविटी के लिए कि 1, 1 इसमें होना चाहिए, वो भी इसमें है. यहाँ तक तो ट्रांजिटिव है. लेकिन गाइज, अगर मैं इसी रिलेशन के एलिमेंट्स को कुछ ऐसे लिख दूं, इस एलिमेंट को तो मैं पहले लिख दूं मान लीजिए, और इस एलिमेंट को मैंने बाद में लिखा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इस रिलेशन को. पहले 2, 1 लिखा, फिर 1, 2 लिखा, फिर मैंने 1, 1 लिख लिया. इसी रिलेशन को मैंने ऐसे लिख लिया. जब अब आप ट्रांजिटिविटी इसमें अप्लाई करोगे तो देखिए, 2, 1 पहला एलिमेंट, फिर आया 1, 2, तो ये 2, 1, एक 1, 2 भी इसमें है. लेकिन जब आप 2, 2 पे जाएंगे तो आप देखिए इस रिलेशन में 2, 2 कहीं भी नहीं है. जो 2, 2 इसमें होना चाहिए था वो इसमें नहीं है, डजंट बिलोंग टू आर. तो गाइज, जब आप इसको ऐसे अप्लाई करोगे तब तो ये ट्रांजिटिव आ जाएगा. 1, 2, 2, 1 है इसमें, 1, 1 होना चाहिए, वो इसमें दे ही रखा है. तो यहाँ तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर आप इस रिलेशन में इन एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में लिख लें और फिर इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करें तो देखिए ये ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है. पहले 2, 1 लिया, फिर 1, 2 लिया, तो 2, 2 इसमें होना चाहिए, तो वो देखिए कहीं भी नहीं है. इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. तो इसलिए ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, ये केवल सिमेट्रिक है.
तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। पहला दे रखा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव ये है नहीं, वो भी खत्म। तीसरा देखते हैं कि सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो अभी हमने चेक किया गाइस कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है, ये है सिमेट्रिक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस हियर वी आर, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे रखा है 1 मार्क। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एल पी पी आर 00, 08, 27, 54 एंड 60। द मैक्सिमम प्रॉफिट पी इज गिवन बाय 3x + 2y अकर्स एट द पॉइंट। तो गाइज हम जितने भी पॉइंट हमको दे रखे हैं कॉर्नर पॉइंट, उनको इस पी में डाल के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ ये मैक्सिमम आएगा जिन पॉइंट्स पे वही इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हम ये शुरू करते हैं गाइज इसको फाइंड आउट करना। आपको दे रखा है पी इक्वल टू 3x + 2y, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं आपके, एक तो है 0, 0, एक है 0.8, एक है 2.7 और एक दिया हुआ है आपको 5.4 और एक दिया है आपको 6.0। तो जब आप पी की वैल्यू निकालोगे 3x + 2y, तो 0, 0 पे तो ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी, जीरो को मैं 8 इसमें डाला तो 16 आ जाएगी, 2.7 पे आ जाएगी 14 और 2, 6, 20, 5.4 पे आ जाएगी 5, 3, 15 और 4, 2, 8, 23 और 0, 6.0 पे आ जाएगी 18। तो गाइज यू कैन सी देयर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो जो पी की मैक्सिमम वैल्यू है वो 5.4 पे एग्जिस्ट करेगी। सो 5.4 इज द करेक्ट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू sec इनवर्स एक्स। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है गाइज, sec इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो तो बहुत इजीली आपको बुक में ही मिल जाएगी। sec इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो हो जाएगी आपकी 0 to π और इसमें से π/2 डिलीट करेंगे, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स एक्स। ये रहा एक नंबर का क्वेश्चन, उसमें यू कैन सी देयर इसी के चॉइस में दे रखा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -½। तो देखिए cos इनवर्स -½ आपको निकालना है, तो गाइस सबसे पहले आप cos इधर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा cos y इक्वल टू -½, जैसा कि हम करते हैं रूटीन का क्वेश्चन है, -½ की वैल्यू हो गई cos 60 डिग्री यानी cos π/3 और अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में हम ले जाएंगे गाइस, तो ये बन जाएगा cos π - π/3 और इस तरह से ये हो जाएगा cos y इक्वल्स टू cos 2π/3। तो गाइस y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, दिस इज द 2π/3। देख लीजिए आप cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता भी है, दैट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cos इनवर्स, सो y इक्वल टू 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। सो द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -½ इज 2π/3 एज यू कैन सी देयर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सो द क्वेश्चन इज गाइज 1 मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स kx² + 5 इफ x इज स्मॉलर और इक्वल देन 1 एंड इट इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू है एज यू कैन सी देयर, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, इट इज kx² + 5 व्हेन x इज स्मॉलर और इक्वल देन 1 एंड इट इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो अगर फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यू है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 वो इक्वल होंगी। तो मैं इसको शॉर्टली बता रहा हूँ गाइस कि हम इसको कैसे अप्लाई कर लेंगे। x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में ये 1 पे कंटिन्यू है फंक्शन, तो 1 के लेफ्ट में तो आपको फंक्शन ये लेना है kx² + 5। x जब 1 से ग्रेटर है यानी 1 के राइट में जब आओगे तो आपको फंक्शन लेना है 2 और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1
तो जब x की वैल्यू 1 है तो भी आपको फंक्शन लेना है कि x स्क्वायर प्लस 5। तो बहुत शॉर्टली इसको करेंगे, तो जब आपको LHL फंक्शन इज कंटिन्यू एट 1, तो इसका मतलब है LHL एट 1 दैट विल बी इक्वल्स टू RHL एट 1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की निकाल ली होंगे तो डायरेक्ट आप 1 इसमें पुट कर दीजिए, 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है तो 1 इसमें पुट कर दीजिए आप, तो x की जगह जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये LHL आ जाएगी k प्लस 5। ये मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ गाइस। जब 1 के राइट में आप आओगे तो RHL इसकी बन जाएगी 2, और जब फंक्शन की वैल्यू 1 पे आप निकालोगे तो देखिए जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन आपको ये लेना है, तो 1 इसमें पुट करेंगे आप, तो 1 जब आप इसमें पुट करोगे तो ये फिर से आ जाएगा k प्लस 5। तो बस अब तो k प्लस 5 इक्वल्स टू 2, तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो गाइस, इट इज माइनस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, k इक्वल टू माइनस 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशिएशन गाइस, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, तो हमें एफ डैश पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम छोटा सा कर सकते हैं गाइस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इस sec x को ओपन कर लीजिए, इस sec x की जगह 1 अपॉन cos x यूज करके और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पाई बाई 3 पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमको जो गिवन है वो गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम sec x की जगह 1 बाई cos x यूज कर सकते हैं इसमें गाइस, 1 अपॉन cos x माइनस 1 और 1 अपॉन cos x प्लस 1। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये सीधा मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x और नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos x। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, 1 माइनस cos x की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 फ्रॉम द आइडेंटिटी, और नीचे यूज हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये बनेगा टेन स्क्वायर x बाई 2, 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, ये टेन स्क्वायर x बाई 2, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और रह जाएगा हमारे पास टेन x बाई 2। बस ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई गाइस, यहाँ आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन लगा देंगे sec स्क्वायर एक्स और फिर इस एक्स बाई 2 का करेंगे तो वो आ जाएगा 1 बाई 2। अब आपको इसकी वैल्यू पाई बाई 3 पे फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ डाल दीजिए इसमें sec स्क्वायर, यहाँ पाई बाई 3 डालेंगे तो ये पाई बाई 6 बन जाएगा, और ये हाफ, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस 2 बाई रूट थ्री का स्क्वायर किया और ये 1 बाई 2, और गाइज ये आपकी वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 1 बाई 2, सो इट इज 2 बाई 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।